Naveen Chetty, Principal Sir Balakrishna Sir, Babu, and Vice Principal Naresh Sir, Shankar Sir. बिल्कुल मेहमान भी है, मेरा दोस्त है वेंकटेश, उन्होंने निष्ठा कॉलेज के लेक्चरर है, आज उनकी बेटी यहाँ पे भी परफॉर्मेंस करी। आई रिक्वेस्ट वेंकटेश टू कम टू द डायस, मेरे साथ हम डायस होगा। इज माय क्लासमेट एंड लेक्चरर इन निष्ठा कॉलेज। Okay, thanks.
सर रेडी सर रेडी यस रेडी सर जस्ट वेट वेट सर सर वन सेकंड सर 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 నా కాలేజీలో చదువుతున్నారని మెసేజ్ చేస్తున్నాను. నేను ఎప్పుడు కూడా
आप लोग सब मालूम, सब लोगों को मालूम है कोई भी डिफरेंस नहीं है अपने कॉलेज में, किसको ज्यादा किसको कम वो ये नहीं है। आप लोगों को भी आगे जाके ये कंटिन्यू करना है। मैं ऑलवेज एवरीबडी एवरी टाइम एक ही बार बोलता हूँ, 100% जो सिस्टम, प्लीज बेटा 2 मिनट टाइम दे दो। आजकल जो इंडिया में सिस्टम चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है, मगर ये अपन कंप्लीट करते हुए अच्छा नहीं चल रहा, जो अच्छा नहीं हो रहा, मंच जरूरत जरूरत आपको मोसा जरूरतना है, पालिस वालों सरिया पालिस लेडो टैक्स वेस्टर्न में इंडियन वेस्टर्न में इंडिपेंडेंट बढ़ते नाडो, जो भी हो रहा अच्छा हो तो कंप्लीट करते हुए नहीं बनना। हिटलर एक ही बात बोलते थे, इफ यू कंप्लेंट ऑन योर सिस्टम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद योर सिस्टम देन रेज द टॉप ऑफ द सिस्टम चेंज द सिस्टम। अगर जो हालात अपने इंडिया में है या अपने अपने मुल्क में है अपने आजू बाजू में उसको चेंज करना है तो खाली कॉम्प्लेट करते हुए मत बैठो, उसको चेंज करने के सिस्टम पे चल जाओ। और इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, एक अच्छा ऑफिसर बनो, एक अच्छा ऑफिसर बनो, एक टारगेट लेके चलो। जितना भी पॉलिटिशियन बड़ा पॉलिटिशियन होते बोले तो उसका टाइम 5 साल ही रहता, मगर ऑफिसर जिंदगी में रहता होता रिटायरमेंट अभी तक का बहुत बड़ा हथियार है ऑफिसर बनना। तो मैं अंदर रिक्वेस्ट చేస్తున్నా మీరు కాన్సంట్రేషన్ చేసి చదవండి, గ్రూప్స్ చదవండి, మీరు యూపీఎస్సీ కాన్సంట్రేషన్ చేయండి, మంచి ఆఫీసర్ పొజిషన్లో వెళ్ళండి। ఎవరైనా రాజకీయ నాయకుడు ఈ దేశాన్ని భ్రష్టు పట్టించాలని చూస్తే, ఈ దేశాన్ని చెడాలని చూస్తుంటే, ఈ దేశాన్ని చెడియాలని చూస్తుంటే ఒక ఆఫీసర్గా మీరు దాన్ని కాకుండా చేయొచ్చు। ఆపై ఆఫీసర్ బనేతో अगर अपने कंट्री को कुछ हो रहा है तो उसको रोक सकते, एक ऑफिसर कैन स्टॉप दैट। चीफ मिनिस्टर भी होने दो, उसका कोई हुक्म पूरा डायरेक्ट देता है क्या? एक चीफ सेक्रेटरी को देता है, चीफ सेक्रेटरी को देता है, हाईएस्ट ऑफिसर को देता है। एक चीफ मिनिस्टर कैन नॉट गिव एनी जीओ, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भेज सकता है, वो हाईएस्ट ऑफिसर के सिग्नेचर लगा, दैट इज अ पावर एंड पेन। तो मैं ऑलवेज रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, फाइनल ईयर हो गया, फाइनल ईयर ऐसे बच्चों का तो वो लोग सब मालूम क्या, अभी तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, अच्छे अच्छा शुरू करो, टाइम वेस्ट मत करो, ये 2 साल अच्छा अपने आप को दो, आप ये 2 साल अच्छा दिए तो एक अच्छा इंडिया बन सकता। आई विश ऑल मैं सबको एक अच्छे पोजिशन पे कलेक्टर ऑफिस में देखना चाहता हूँ, मगर कोई चेन्नई शॉपिंग मॉल में, साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल में साड़ी और तो मैं लड़कों को देखना नहीं चाहता हूँ। रियली इट्स अ वेरी शेम, रियली छोटे काम स्मॉल थिंकिंग इज अ बिग क्राइम, छोटा छोटा सोच बहुत बड़ा गुनाह होता है, छोटी सोच से बाहर आ जाओ। थिंक है एक अच्छा स्टेज पे जाने के लिए सोचो, आपको जो भी है वी विल प्रोवाइड। मैं मानता हूँ एक 2-3 साल से स्कॉलरशिप नया है, हम लोग आपको फीस थोड़ा टाइट करके पूछ रहे हैं, मगर क्या करना है, मैं तो दो छाया नहीं है, एक 2-3 साल से आई हैव डोंट हैव एनी मंथली मंथली मेंटेनेंस रहता है, और आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, वेरी थैंकफुल टू यू। आप और कंपनी ने तो एक सिस्टम चल रहा है, वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू स्टूडेंट हु आर पेइंग योर फीस इन टाइम। मगर क्या करना, देयर इज नो अदर वे, गवर्नमेंट इज नाइस ये नॉट गिविंग द फीसेस इन टाइम, ये हम उसमें नहीं दे रहा है। तो जो भी है आप लोगों से, आप लोग जो पाल रहे बच्चे तो काले चलाने में आप लोगों का हेल्प है, वेरी थैंकफुल टू देयर, आप लोगों का भी सपोर्ट मेरे को ऐसा ही चाहिए और मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा। मैं एक 30-40 चेहरा भी एक एक्स्ट्रा रख के रखा, तो अगर किसी बच्चे को घर में पढ़ना मुश्किल लग रहा था, आप यहाँ पे आके स्टडी रूम बना लो अपने कॉलेज में, आप आके बेशक आप पढ़ सकते हैं, लेक्चर को गौर पूछ सकते हैं और पी डी एफ में ला ले सकते हैं, आप पढ़ ले सकते हैं। मतलब स्टडी रूम लाग मैं लाइब्रेरी में ఏర్పాటు చేస్తున్నాను, చైర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాను, పిల్లలు ఇంట్లో చదవలేని పిల్లలు మీరు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయే వరకు 24/365 మీరు రావచ్చు, 9-5 మీరు వచ్చి చదువుకోవచ్చు, మీరు మొత్తం ఎప్పుడు సమ్మర్లో కూడా ఉంటుంది, మళ్ళీ గ్రూప్ కోచింగ్ కూడా అమలు పడుతుంది, షురూ కరే ఎగ్జామ్స్ ఆఫీసర్ ఓకే గ్రూప్ కోచింగ్ కంటిన్యూ కరే।
मगर हम लोग डेली 200 लोगों को खाना खिलाता है। रोड पे जो बेकर रहते हैं, जो रोड में रहते हैं, डेली मॉर्निंग 7 to 9 उसमें माला कृष्णा साहब भी एक मेम्बर है, निजामाबाद फूड बैंक है बोल के। अब निजामाबाद फूड बैंक को बैठक वालों को आप 7 to 9 मॉर्निंग 7 to 9 देखिए, जो रोड पे बड़े हुए रहते हैं, जो सागे लोग रहते हैं, जो आस पास नहीं रहते हैं, जो गरीब लोग है, घर वगैरह नहीं है, ऐसे 250 लोग है निजामाबाद में, उन्होंने उसको जाके रोज सुबह खाना देने आता है वो बंदा। इसलिए आप मेरी उनको के लिए देने में खुशी है, देने में अपना माहौल भी मजबूत होता है। अब इनको दिया तो ऊपर वाला अल्लाह ताला अपने को भी और देंगे, और देंगे। मन सहाय से देवड़ मन की इंका सहाय से काबटे सहाय चाल सतोष चाल सहाय मन नवीन चटी बालकृष्ण सर मेबर आज बेस्ट मंच विषय आल देश अच्छा अच्छा पड़ो एजुकेट आप लेक्चरर्स को पूछो आप कॉलेज में आके पढ़ भी सकते हैं। एक स्टडी ग्रुप मैं अरेंज कर रहा हूँ, यू आर ऑलवेज वेलकम बेटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शॉर्ट पीरियड लो, शॉर्ट पीरियड में इसका अच्छा प्रोग्राम अरेंज करें। विनय एंड इनके वर्क के लोग हैं, मैं आते कुचपुड़ी डांस मास्टर श्रीनिवास सर जो बच्चों को लेके आए, और विनय डांस मास्टर वो लोग बच्चों को लेके उन्होंने भी डांस करे, उनको भी थैंक्स। एंड सबको आप लोगों का नाम नहीं मालूम, तो आपने क्या पूरा टीम जो ये इवेंट अरेंज करे पूरा टीम को गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को एक लीडरशिप क्वालिटी बढ़ते रहते हैं। हमने ऐसे ऐसे छोटे चीज़ा करके यहाँ तक पहुँचे। एंड एक ही बात फाइनली मैं बोल दूँ बेटा, कोई भी आदमी भर्त अमीर नहीं होता, गरीब पैदा होना अपना गलती नहीं है और गरीब मध्यम अपनी गलती है। तो ये गरीब पैदा होना अपना गलती नहीं है और गरीब मरना गरीब में मरना अपना गलती है। मैं बोल रहा ना, मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ था, मैं डिग्री पढ़ते वक्त घर घर तिरके कपड़े बेचा, నేను డిగ్రీ చదివేటప్పుడు ఇంటింటికి తిరిగి బట్టలు అమ్మినాను, కపడే బేస అమ్మే ఏ కపడా ప్యాంట్ బేస్ బెచ్చితో 50 రూపాయలు ఆదాయం వచ్చింది। యూ ఓన్ బిలీవ్ మై కందే మే లేకే ఘర్ ఘర్ లేకే మై కపడే బేచా ప్యాటర్న్ ఉందా। సో మై సబ్కో ఆప్కు బోల్ దూ అప్నే కో గరీబ్ పైదా హోనా అప్నా గల్తి నహీ హోగా, గరీబ్ మరనా అప్నా గల్తి నహీ, అచ్చా మెహనత్ కరో బేటా, యహీ టైమ్ హై। ये 23-24 इयर्स का अच्छा पढ़ो, उसके बाद एंजॉय करो, ये टाइम में बेस्ट वेस्ट मत करो, प्लीज रिक्वेस्ट करो। अब ये टाइम यूजफुल करो, उसके बाद एंजॉय करो लाइफ। अभी एंजॉय कर तो बाकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टफ टाइम है। गवर्नमेंट सेक्टर तो नहीं है, पूरे भेज दिए, BSNL को भेज दिए, BPCL को भेज दिए, रेलवे को भेज दिए, LIC को भेज दिए, सब भेज दिए। गवर्नमेंट सेक्टर बचा ही नहीं, हुशियार लोग प्राइवेट सेक्टर में आए, थोड़ा नॉर्मल लोगों को काम दे रहा। IIT वालों को 100% प्लेसमेंट मिलता था, अब IIT वालों को भी 20% लोगों को प्लेसमेंट मिला मिल रही। IIT स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट इस टाइम मिल रहा, डिग्री के स्टूडेंट्स को कैसे मिलेंगे। और ये नहीं, आप डिग्री में भी अच्छा नंबर से पास होना है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहे, ये टाइम वेस्ट मत करो बेटा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। అకాడమిక్ ఇయర్ లో NCC స్టూడెంట్స్ సి కాల్ సర్వీస్
2024 कम से कम 20 साल हो रहा था ये थे 20 साल से मैं कंटिन्यू से प्रिंसिपल बना मेरे को ये चांद देव को सुधार कर सफल करने को लॉट ऑफ टाइम दे दूँ और हर साल